हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि विच आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड। और इसमें हमने देखा था अलग अलग प्रकार के फैक्टर्स विच आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन वाज इंट्रिंसिक फैक्टर्स एंड दूसरा था एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है और आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे फूड प्रिजर्वेशन। बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोबियल एक्टिविटी दैट फूड्स गेट स्पॉइल्ड। अगर फूड को स्पॉइलेज से प्रिवेंट करना है, फूड्स को अच्छे कंडीशन में रखना है या फिर फूड्स की शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ाना है, देन वी वांट टू प्रिजर्व दैट फूड बाय डिफरेंट मेथड्स। तो आज के इस टॉपिक्स में हम देखेंगे फूड प्रिजर्वेशन के कौन से मेथड्स हैं एंड बिफोर दैट वी विल सी प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। मतलब कौन से आधार पर, कौन से बेसिस पर फूड्स का प्रिजर्वेशन किया जा सकता है, सो दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस टुडेज लेक्चर। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन क्या है? So food preservation, it is defined as the processes of treating and handling of food in such a way as to stop or greatly slow down the spoilage and preventing foodborne illness while maintaining the nutritional value, texture as well as flavor of the food. So फूड प्रिजर्वेशन का ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसमें एक अलग अलग प्रोसेसेस वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं या फिर वो उस फूड को ट्रीटमेंट की जाती है, हैंडलिंग ऐसी तरह से किया जाता है जिसकी वजह से जो माइक्रोबियल ग्रोथ है या फिर माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ है उसको कम्प्लीटली स्टॉप किया जाता है या फिर उस एक्टिविटीज़ को स्लो किया जाता है जिसकी वजह से जो फूडबॉर्न इन्फेक्शंस है वो भी प्रिवेंट हो सके और जो फूड्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू, टेक्सचर एज वेल एज फूड्स का जो फ्लेवर है वो मेंटेन रह सके एंड वी कैन इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ दैट फूड। सो दैट इज कॉल्ड एज फूड प्रिजर्वेशन। एंड ये फूड प्रिजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है। व्हाई? सो दैट फूड प्रिजर्वेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रेश एंड रॉ फूड इट हैज़ द लिमिटेड सप्लाई। क्योंकि फ्रेश एज वेल एज रॉ फूड का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। उसके बाद आफ्टर हार्वेस्टिंग और आफ्टर स्लॉटरिंग दैट फूड इज़ नॉट इमिडिएटली कंज्यूम। मतलब हार्वेस्टिंग के बाद या फिर स्लॉटरिंग के बाद इमिडिएटली फूड्स को कंज्यूम नहीं किया जाता या फिर फ्रॉम द साइट ऑफ हार्वेस्टिंग इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम दैट इज़ फ्रॉम द साइट वेयर इट इज़ प्रोड्यूस एंड द साइट वेयर इट इज़ कंज्यूम। तो ये ट्रांसपोर्टिंग के बीच जो ड्यूरेशन है और इसका जो ड्यूरेशन है, इसी दौरान ये फूड का स्पॉइलेज वहाँ पे हो सकता है, इसीलिए फूड प्रिजर्वेशन करना जरूरी है। और तीसरी बात यह है कि देर आर सो मेनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर देयर विच आर इन और विच आर सीजनल। मतलब पर्टिकुलर सीजन में ही वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। एंड सो जैसे कि हम एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, अगर हम मैंगोज का एग्जांपल लेंगे तो दीज मैंगोज दीज आर अवेलेबल इन समर बट दीज आर नॉट अवेलेबल इन विंटर। तो इसीलिए अगर मैंगोज हमें विंटर में कंज्यूम करने हैं तो उसे एक तो हमें वहाँ पे प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी या फिर उनको प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो ये फूड प्रिजर्वेशन की कुछ इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से हमें फूड्स को प्रिजर्व करना है। एंड 10% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल सप्लाई जो है दैट ऑफ फूड इट गेट डिटेरियरेटेड एवरी ईयर। मतलब हर साल में, ईच ईयर में वर्ल्ड्स का जो टोटल फूड सप्लाई है उसमें से 10% वहाँ पे डिटेरिएशन होता है या फिर उनका फूड्स का स्पॉइलेज होता है। सो दैट फूड स्पॉइलेज एंड इट्स प्रिवेंशन इट रेज द ग्लोबल कंसर्न्स इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एज वेल एज इकोनॉमिकल वैल्यू। सो दैट्स व्हाई फूड प्रिजर्वेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस फूड स्पॉइलेज, तो फूड प्रिजर्वेशन के पहले जो फूड स्पॉइलेज होता है ये अलग अलग फैक्टर से वहाँ पे होता है एंड दैट इज़ ड्यू टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, मोल्ड्स आते हैं और ईस्ट आते हैं। एंड आफ्टर दैट टू अ लेजर एक्सटेंट देर आर सो मेनी केमिकल रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन दैट फूड विच आर कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम्स दैट आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द
स्पॉयलेज ऑफ फूड। तो ये अलग अलग फैक्टर हैं जिसकी वजह से फूड स्पॉयलेज वहाँ पे होता है। एक तो माइक्रोबियल एक्टिविटीज हैं जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, मोल्ड्स आते हैं और ईस्ट है, और दूसरे हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस कैटलाइज बाय दी एंजाइम्स। नाउ अभी माइक्रोबियल एक्टिविटीज ऐसे कौन से हैं या फिर विच आर ड्यू टू दी विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फूड स्पॉयलेज। सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज फंजाई, ईस्ट एज वेल एज बैक्टीरिया, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉयलेज। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे स्पॉइल द अट्रैक्टिवनेस ऑफ दैट फूड, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैलेटेबिलिटी एज वेल एज दे कैन डिक्रीज द नरिशमेंट ऑफ द फूड। एग्जाम्पल्स मोल्ड्स ऑन ब्रेड, देन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन द स्टोरिंग ऑफ मिल्क। नाउ देर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर आइदर देमसेल्व्स टॉक्सिक इन नेचर। देर आर सो मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर विच आर एक्चुअली दे आर टॉक्सिक इन नेचर, और सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे प्रोड्यूसेस टॉक्सिक केमिकल्स विच आर कॉल्ड एज टॉक्सिन्स वेन दे एक्ट ऑन फूड और वेन दे ग्रो ऑन फूड सबस्ट्रेट एंड दे कैन कॉज द फूड पॉइजनिंग। मतलब नेचर में ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, अगर वो फूड्स में प्रेजेंट रह गए तो टॉक्सिक रहते हैं, या फिर ऐसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दे ग्रोज ऑन द फूड मटेरियल एंड दे प्रोड्यूसेस टॉक्सिक केमिकल्स जिसे हम टॉक्सिन्स कहते हैं। तो दीज टॉक्सिन्स दे प्रेजेंट इन द फूड एंड व्हेन सच फूड इज कंज्यूम देन दे कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं जिसका फूड पॉइजनिंग का नाम है बॉटुलिज्म फूड पॉइजनिंग, एंड दिस इज कॉज बाय द बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम। सो दिस क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम इट प्रोड्यूसेस अ हाईली पोटेंट टॉक्सिन दैट इज कॉल्ड एज बॉटुलिन। ये टॉक्सिन का नाम है बॉटुलिन एंड इट इज प्रोबेबली द मोस्ट पॉइजनस सब्सटेंस नोन। ये डायग्राम जो है ये क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम की डायग्राम है। दीज आर द बैक्टीरिया जिसकी वजह से अगर वो फूड में कंटेमिनेट हो गए या फिर इन्होंने फूड्स को कंटेमिनेट किया तो फूड्स में ये टॉक्सिन वहाँ पे तैयार हो जाएगा बॉटुलिन, एंड जो फूड पॉइजनिंग वहाँ पे होता है उसे कहा जाता है बॉटुलिज्म। सो इन दिस वे दैट फ्यू देर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया व्हेन दे ग्रो इन द फूड दे कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। देन केमिकल चेंजेस वहाँ पे कुछ होते हैं फूड्स में जब बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो होते हैं, या फिर देन देर इज अ बिकॉज ऑफ दैट बायोकेमिकल चेंजेस, जैसे कि रैंसिडिटी ऑफ फैट्स एज वेल एज ऑयल्स। एंड दूसरा एग्जाम्पल है ब्राउनिंग ऑफ द फ्रूट्स। यहाँ पे आप डायग्राम में देखो ये जो कटा हुआ एप्पल है, तो आफ्टर कटिंग ऑफ दैट एप्पल एंड इफ यू केप्ड और कीप दैट एप्पल इन एज इट इज देन सच टाइप ऑफ चेंज विल ऑकर ऑन दी दैट एप्पल्स हियर। सो दिस इज द ब्राउनिंग ऑफ एप्पल टेक्स प्लेस व्हेन दैट फ्रेशली कट एप्पल इज लेफ्ट इन अ एयर और व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एयर। तो इसी प्रकार का ब्राउनिंग वहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा। सो द रैंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स एज वेल एज ब्राउनिंग ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्पॉयलेज विच आर ड्यू टू द केमिकल और बायोकेमिकल चेंजेस। तो ये मैकेनिज्म है इसकी कि दिस जो ब्राउनिंग होता है एप्पल्स का, सो दैट फिनोमिनन इट इज बिकॉज ऑफ और बाय द इनिशियल एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स विच आर प्रेजेंट इन एप्पल्स बाय द एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन टू डाइक्विनॉन्स विच गेट रेडिली पॉलीमराइज। मतलब ये फिनॉल जो एप्पल्स में प्रेजेंट रहता है एंड आफ्टर कटिंग ऑफ दैट एप्पल सो दैट फिनॉल्स प्रेजेंट इन दैट एप्पल्स दे कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर एंड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन सो दैट गेट कन्वर्टेड टू डाइक्विनोन और विच इज एक्चुअली अ ब्राउन पॉलीमर। सो ये जो यहाँ पे ब्राउनिंग आपको दिख रहा है ये फिनॉल का कन्वर्जन डाइक्विनॉन्स में होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एंजाइम्स। तो ये एक वहाँ पे चेंज होता है। देन इनिशियली दैट ऑक्सीडेटिव स्टेप इट इज कैटेलाइज बाय द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द एप्पल बट सब्सिक्वेंट पॉलीमराइजेशन रिक्वायर्स नाइदर ऑक्सीजन नॉर एंजाइम्स टू कैरी आउट। सो दैट ब्राउनिंग ऑफ एप्पल इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय रिमूविंग ऑक्सीजन सप्लाई फ्रॉम दैट एनवायरमेंट हियर और वी कैन इनिबिट द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। अगर दोनों में से हम कौन सी भी एक प्रोसेस कर सके तो जो एप्पल्स का जो ब्राउनिंग होता है कट करने के बाद सो दैट ब्राउनिंग कैन बी प्रिवेंटेड। नाउ प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अभी ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स है या फिर किस आधार पे हम फूड स्पॉयलेज प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर फूड्स का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं।
तो एक पहला प्रिंसिपल है यहाँ पे, टू स्लो डाउन द डिटेरिएशन इन क्वालिटी एंड टू इंक्रीज द फूड सेल्फ लाइफ। अगर हम डिटेरिएशन या फिर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो अगर हम डिक्रीज कर सके, स्लो कर सके, एंड साइमल्टेनियसली अगर हम फूड्स की शेल्फ लाइफ वहाँ पे बढ़ सके, तो दैट विल बी द वन प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। दूसरा है दैट प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स इज टू सप्रेस द माइक्रोबियल एज वेल एज केमिकल चेंजेस विच आर रिजल्टिंग इन और ड्यूरिंग फूड स्पॉयलेज। फूड स्पॉयलेज के दौरान जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज वहाँ पे होती है फूड्स में, केमिकल चेंजेस वहाँ पे होते हैं, अगर उसको हम स्टॉप कर सके, उसको हम सप्रेस कर सके, तो ये भी एक बेस है, प्रिंसिपल है, जिसकी सहायता से हम फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। और तीसरा है दैट डिफरेंट वेज विच आर यूज टू किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर डायरेक्टली हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल सके तो भी वहाँ पे फूड्स का प्रिजर्वेशन हो जाएगा। अगर हम माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट कर सके तो भी वहाँ पे मतलब शेल्फ लाइफ जो है फूड्स की वो वहाँ पे बढ़ जाएगी। और इफ़ वी कैन रिटार्ड और इफ वी कैन प्रिवेंट दैट केमिकल चेंज, तो भी हम वहाँ पे फूड्स का प्रिजर्वेशन कर सकेंगे। तो ये अलग अलग प्रिंसिपल्स है जिसकी सहायता से हम फूड्स का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। ये मेन प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, पहला जो है रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। जैसे कि हम हमारे घर में देखते हैं जो हमारे ग्रेन्स है, चाहे वो गेहूँ हो, ज्वार हो, बाजरी हो, या फिर हमारा सोयाबीन, आफ्टर हार्वेस्टिंग फ्रॉम द फील्ड और एग्रीकल्चरल फील्ड, उसे हम क्या कर सकते करते हैं हम, देर इज अ सन ड्राइंग इज देयर। इसका मतलब है जो मॉइस्चर है फूड्स में, ग्रेन्स में, उसको हम रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि दैट मॉइस्चर और वाटर एक्टिविटी इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अगर वाटर भी हम वाटर अगर हम वहाँ पे अवेलेबल नहीं करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो फूड्स का प्रिजर्वेशन वहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि अगर वाटर ही वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ वहाँ पे नहीं हो सकती। सो दैट इज़ द वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ड्यूरिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, जिसे हम कहते हैं रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। सो द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट इज़ वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द माइक्रोबियल ग्रोथ इन फूड। देन रिमूवल ऑफ सच मॉइस्चर फ्रॉम फूड इट विल स्लोज डाउन द माइक्रोबियल ग्रोथ रेट। अगर वहाँ पे वाटर ही अवेलेबल नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो माइक्रोबियल ग्रोथ रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जैसे हम मिल्क का भी एग्जांपल ले सकते हैं, अगर मिल्क रॉ मिल्क हम वैसे ही रखेंगे कंटेनर में डाल के, तो आफ्टर सम टाइम इट विल गेट स्पॉइल। लेकिन मिल्क का अगर हम मिल्क पाउडर बनाएंगे तो दैट विल रिमेन इन अ गुड कंडीशन फॉर मोर ड्यूरेशन। इसका मतलब है हम वहाँ पे वाटर से मॉइस्चर रिमूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से मिल्क मतलब मिल्क कन्वर्शन टू मिल्क पाउडर कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे मिल्क पाउडर की लाइफ वहाँ पे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मॉइस्चर वहाँ पे नहीं है, देर इज अ रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम दैट मिल्क विच इज अ कम्प्लीट फूड। देन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन फूड इट लीड्स टू द हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन, क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वाटर अवेलेबल है तो दैट कैन लीड्स टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस, सो देर इज अ स्पॉइलेज कैन टेक्स प्लेस। एंड दिस रिमूवल ऑफ मॉइस्चर इट हेल्प इन द सप्रेशन ऑफ केमिकल एज वेल एज बायोकेमिकल चेंजेस। एग्जाम्पल्स है ड्राइंग, जैसे कि अभी मैंने शुरुआत में बताया कि जो ग्रेन्स हम एग्रीकल्चरल फील्ड से हार्वेस्ट करके लाते हैं, जैसे कि चाहे वो हमारे गेहूँ हो, ज्वार हो, बाजरी हो, सोयाबीन हो, और कौन से भी ग्रेन्स हो, उसे हम क्या कर सकते हैं, सन ड्राइंग करते हैं। दिस इज अ वेरी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। और उसके बाद है डिहाइड्रेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया मिल्क का, so there is the removal of water, that is dehydration, so that will increases the shelf life of milk. तो ये examples हैं जहाँ पे removal of moisture किया जाता है। उसके बाद है altering temperature, अगर हम temperature भी change कर दे उस foods का या फिर environmental का, तो that will improve the shelf life of the food material or that foods can be preserved. जैसे कि warm environment, it is favorable condition for the microbial growth in food. अगर नॉर्मल टेम्परेचर है, वार्म टेम्परेचर है, एनवायरनमेंट है, तो वो वार्म टेम्परेचर और एनवायरनमेंट माइक्रोबियल ग्रोथ को फेवर करेगा और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाएगी, जिसकी वजह से फूड स्पॉयलेज वहाँ पे इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर कम रखेंगे, जैसे कि फ्रीज है हमारे यहाँ पे, अगर फ्रीज में हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या मिल्क रखेंगे,
तो लो टेम्परेचर वहाँ पे हो जाता है, बिलो 10 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे टेम्परेचर रहता, तो एट दिस टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के कम टेम्परेचर में माइक्रोबियल ग्रोथ वहाँ पे नहीं हो सकती, दैट कैन बी प्रिवेंटेड। तो लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर दैट कैन प्रिजर्व द फूड मटेरियल, जैसे कि हम रेगुलरली रूटीनली हम रेफ्रिजरेटर या फ्रिज हम हमारे घर पे यूज करते हैं। एट हाई टेम्परेचर्स बैक्टीरिया एज वेल एज स्पोर्स दिज आर डिस्ट्रॉयड। अगर हम टेम्परेचर जैसे कि वाटर है या फिर मिल्क का एग्जांपल हम लेंगे, मिल्क में अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, रॉ मटेरियल हम वैसे रॉ मिल्क हम वैसे ही रखेंगे तो आफ्टर सम टाइम दैट गेट स्पॉइल्ड। लेकिन उसको अगर हम बॉइल करेंगे और सो बॉइल्ड मिल्क दैट विल रिमेन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो इसके पीछे जो कारण है बॉइल्ड मिल्क ज़्यादा देर तक अच्छी रहने के पीछे, तो उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, स्पोर्स प्रेजेंट है, सो दैट गेट डिस्ट्रॉयड और दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे गेट किल्ड, जिसकी वजह से मतलब हाई टेम्परेचर यूज करने की वजह से जो फूड में जो बैक्टीरिया है, जो स्पोर्स है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो किल होते हैं, जिसकी वजह से फूड प्रिजर्वेशन वहाँ पे होता है। एग्जाम्पल हम लेंगे जहाँ पे अल्टरनेट टेम्परेचर यूज किया जाता है, दैट फूड इज स्टेरलाइज एट हाई टेम्परेचर, दैट इज इन कैनिंग इंडस्ट्री, एंड इन सच कैनिंग इंडस्ट्री दैट माइक्रोबियल एक्टिविटीज आर रिड्यूस टू मिनिमम एंड द रेट्स ऑफ केमिकल एज वेल एज बायोकेमिकल चेंजेस गेट रिटार्डेड और गेट प्रिवेंटेड। दूसरा जो प्रिंसिपल है प्रिजर्वेशन का वो है चेंजिंग पीएच। अगर हम पीएच भी चेंज करेंगे फूड्स की, सो दैट कैन दैट फूड्स कैन बी प्रिजर्व्ड। सो दैट मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे प्रेफर अ न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक मीडियम फॉर द ग्रोथ। सो द पीएच रेंजिंग फ्रॉम 4.5 to 10, दिस इज द सुटेबल पीएच फॉर द सर्वाइवल एज वेल एज ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर इसमें हम कुछ चेंज करेंगे, क्योंकि ये 4.5 टू 10 पीएच जो है ये सुटेबल पीएच है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए, लेकिन उसके उसमें हम चेंज करेंगे तो फूड्स का प्रिजर्वेशन वहाँ पे हम कर सकते हैं। सो क्रिएटिंग एन अनफेवरेबल कंडीशन, पीएच में चेंज करना, फूड्स के पीएच में चेंज करना, इसका मतलब है वी आर क्रिएटिंग द अनफेवरेबल कंडीशन फॉर दैट माइक्रोबियल और फॉर दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट करने के वजह से देर इज अ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द पीएच वैल्यू दैट कैन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल्स है यूज ऑफ विनेगर इन पिकलिंग प्रोसेस और यूज ऑफ लैक्टिक एसिड इन यॉगर्ट। तो विनेगर में विनेगर ऐड करने से जो पीएच है वो एसिडिक बन जाएगी और वहाँ पे फूड पिकल्स का प्रिजर्वेशन वहाँ पे हो जाएगा। या फिर यॉगर्ट में जो लैक्टिक एसिड ऐड किया जाता है या फिर बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो इनकी वजह से भी लैक्टिक एसिड एसिडिक एनवायरमेंट होने की वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ वहाँ पे प्रिवेंट हो जाएगी एंड एगवर्ड का और दैट फूड्स का वहाँ पे प्रिजर्वेशन हो जाएगा। द नेक्स्ट प्रिजर्वेशन है यूज ऑफ ऑस्मोटिक प्रोसेस, सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे रिक्वायर अ मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 20% टू ग्रो। अगर हम ये मॉइस्चर हम अगर हम डिक्रीज करेंगे बाय इंक्रीजिंग द सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम सॉलिड्स या फिर सॉल्ट वहाँ पे डालेंगे तो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन मतलब वहाँ पे ज़्यादा रहेगा तो मॉइस्चर कंटेंट वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा एंड डिक्रीजिंग दिस मॉइस्चर कंटेंट इट विल इनिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल्स है पुटिंग ऑफ फूड इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट और शुगर सोल्यूशंस एंड देयरफॉर ड्यू टू द डिफरेंस इन ऑस्मोटिक पोटेंशियल दैट वाटर प्रेजेंट इनसाइड दैट फूड मटेरियल और दैट सेल्स इट वुड बी लॉस्ट ड्यू टू द सराउंडिंग सोल्यूशन बाय ऑस्मोसिस। वहाँ पे ऑस्मोसिस हो जाएगा और जो सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे उस फूड में वो उस सेल से वाटर लॉस वहाँ पे हो जाएगा एंड दैट ग्रोथ विल बी इनिबिटेड और दैट बैक्टीरिया कैन बी किल्ड। सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैनॉट मल्टीप्लाई एंड देयरफॉर दे वुड नॉट कॉज दी स्पॉयलेज ऑफ फूड मटेरियल। सो ये प्रिंसिपल है बिहाइंड यूजिंग ऑफ दिस ऑस्मोटिक प्रोसेस। उसके बाद है यूजिंग ऑफ केमिकल एडिटिव्स और वी कैन से प्रिजर्वेटिव्स। सो देयर इज आर नाइट्रेट्स आर देयर, देन नाइट्रेट्स फोर फिफ्थ ग्रेड, देन नाइट्रेट्स थ्री, दीज आर यूज इन क्यूरिंग ऑफ मीट बिकॉज दीज नाइट्रेट्स दे कैन इनिबिट और दे कैन स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ और दैट इज माइक्रोबियल एक्टिविटीज इन दैट फूड। देन एंटी ऑक्सीडेंट दीज आर एडेड टू पर्टिकुलर फूड मटीरियल, फॉर एग्जाम्पल इन पोटैटो क्रिस्प टू डिस्करेज और टू प्रिवेंट द रैंसिडिटी ऑफ फैट्स एज वेल एज ऑयल्स एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज अ एक्सटेंशन ऑफ शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड। उसके बाद है एस्कॉर्बिक एसिड और दैट बी एच ए,
दीज आर द एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड ये यूज़ किए जाते हैं पॉर्क सॉसेजेस में एज वेल एज इन कुकिंग ऑयल में. सो दैट कैन सो दिस केमिकल्स यूजिंग ऑफ दिस केमिकल एडिटिव्स दे कैन प्रिजर्व द फूड मटेरियल और दे कैन इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड. अब दे नाउ टुडे लेटर ऑन वी विल सी दैट कॉमन टेक्निक्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. अभी कौन से टेक्निक ये अभी तक यहाँ पे हमने देखा कौन से प्रिंसिपल्स पे कौन से आधार पे हम फूड्स का प्रिजर्वेशन यूज किया जा रहा है, जिसमें हमने देखा रिमूवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, केमिकल एडिटिव्स, उसके बाद यूज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, चेंजिंग ऑफ पीएच, देन चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर. तो ये प्रिंसिपल्स पे हमने देखे हैं. अभी हम देखेंगे कौन से टेक्निक्स है, कौन से मेथड्स है जिसकी सहायता से हम फूड्स का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं. सो जब भी हम कोई प्रिजर्वेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए. सो दैट गुड प्रिजर्वेशन टेक्निक शुड रिटेन द ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फूड. मतलब जो भी टेक्निक्स आप फूड प्रिजर्वेशन को यूज कर रहे हैं, तो वो फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक यूज करने के बाद फूड का जो भी ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एज इट इज रहनी चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे वो टेस्ट के बारे में हो, चाहे वो फ्लेवर के बारे में हो, चाहे वो टेक्सचर के बारे में हो. दूसरा जो है मस्ट नॉट हैव डिटरमेंटल इफेक्ट ऑन द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड. मतलब उस पर्टिकुलर फूड की जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी वैसे की वैसे रहनी चाहिए, उसमें उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, फूड तो प्रिजर्वेशन हो जाएगा लेकिन अगर उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है उसका अगर लॉस हो गया, उस न्यूट्रिएंट्स पे अगर कुछ लॉस हो गया तो उस फूड का कोई भी फायदा नहीं रहेगा. देन मस्ट नॉट बी पोटेंशियली हार्मफुल टू द हेल्थ. जो भी मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन को यूज कर रहे हैं तो हमें ये भी ख्याल में रखना है कि इस मेथड से अगर हम फूड्स का प्रिजर्वेशन करेंगे तो इसका कंज्यूमर के हेल्थ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए. सो मस्ट नॉट बी पोटेंशियली हार्मफुल टू द हेल्थ. सो मेनी ऑफ फूड प्रिजर्वेशन प्रैक्टिसेस नाउडेज दे आर यूटिलाइजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन प्रिंसिपल्स. तो अभी जो भी मेथड्स वहाँ पे यूज किए जा रहे हैं फूड प्रिजर्वेशन पे, तो कॉम्बिनेशन वहाँ पे यूज किया जा रहा है, जैसे कि फ्रीजिंग हेल्प प्रिजर्व फूड बाय लोअरिंग टेम्परेचर. मतलब फ्रीजिंग भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जिसमें फूड्स का टेम्परेचर कैसे हो रहा है, कम हो रहा है, एंड मेकिंग वाटर अनअवेलेबल फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ. नेक्स्ट है हीट ट्रीटमेंट. ये एक इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, फूड प्रिजर्वेशन मेथड है जो फूड प्रिजर्वेशन करने के लिए यूज की जाती है. सो दिस हीटिंग इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज इट अल्टर्स द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड दे कैन डिस्ट्रॉय द डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द फूड. तो ये हीट ट्रीटमेंट करने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो वहाँ पे किल होते हैं. जैसे कि हमें सिंपल मेथड है, अगर हम मील को हीट करेंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मील के प्रेजेंट है वो किल हो जाएंगे. देन इट अल्टर्स द प्रोटीन स्ट्रक्चर एज वेल एज इट डिस्ट्रॉयज द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंजाइमेटिक एक्टिविटीज भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जो फूड है वहाँ पे प्रिजर्वेशन हो जाएगा. सो ऑल फॉर्म्स ऑफ कुक्ड फूड्स दीज आर प्रिजर्व बाय दिस मेथड. क्योंकि हम जो कुकिंग करते हैं तो अगर हम वेजिटेबल्स रॉ वेजिटेबल्स हैं सो देर आर मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल बी प्रेजेंट ऑन दिस रॉ वेजिटेबल्स दैट आर एडेड बाय द सॉइल प्रेजेंट और फ्रॉम दैट फार्म. दीज आर एडेड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन बाय दैट फार्मर और मेनी थिंग्स आर देयर. लेकिन अगर हम उस वेजिटेबल्स को कुक करेंगे तो उस पर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब वहाँ पे किल हो जाएंगे. तो दैट इज वन मेथड हियर. देन अनदर वेल नोन एग्जाम्पल इज द स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क, और जिसे हम कहते हैं पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क, दैट इज बाय अल्ट्रा हाई टेम्परेचर. देर आर डिफरेंट मेथड्स आर देयर पाश्चराइजेशन के, अलग अलग मेथड है. दैट इज LTH जिसे हम कहते हैं लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड. उसके बाद एक HTST टेम्परेचर है जिसे हम कहते हैं हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड. और ये तीसरी मेथड है पाश्चराइजेशन की UHT जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर. तो ये हो गया हीट ट्रीटमेंट. उसके बाद है इरेडिएशन और यूज ऑफ रेडिएशंस सो दैट फूड्स कैन बी प्रिजर्व बाय एक्सपोजिंग दिस फूड्स टू द आयोनाइजिंग रेडिएशंस. और आयोनाइजिंग का रेडिएशन का एग्जाम्पल्स है गामा रेज आर देयर विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कोबाल्ट 60. सो दिस कोबाल्ट 60 इट इज द सोर्स ऑफ दिस गामा रेज एंड फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हाई वोल्टेज.
सो दीज रेडिएशंस कैन बी यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल. मतलब रेडिएशंस यूज करने के पीछे जो रीजन है, तो ये रेडिएशंस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है फूड्स पे उसे किल करते हैं. सो दैट रेडिएशन इट डिस्ट्रॉयज द एंजाइम्स एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द फूड. एंड एग्जाम्पल्स ऑफ फूड प्रिजर्व बाय यूजिंग दीज रेडिएशंस और दिस मेथड, इट इंक्लूड्स द पीसेस एज वेल एज पोटैटोज. सो दीज आर प्रिजर्व बाय यूजिंग दिस इरेडिएशन. नेक्स्ट मेथड है ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन. नेक्स्ट जो मेथड है फूड प्रिजर्वेशन की वो है ड्राइंग एज वेल एज डिहाइड्रेशन. जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे इट इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स. हम घर पे हमारे जो ग्रेन्स है वो सन ड्राइंग में ड्राई करते हैं. इसके पीसी का जो रीजन है दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम दैट और मॉइस्चर फ्रॉम दैट फूड्स और ग्रेन्स. सो दिस इज द ओल्डेस्ट प्रैक्टिस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड दैट फूड इट इज ड्राइड अंडर सनलाइट और इन स्पेशल ओवन्स और फ्रीज ड्रायर्स. तो ये सन ड्राइंग करने की वजह से या फिर ओवन में ड्राइंग करने की वजह से और फ्रीज ड्रायर्स में ड्राइंग करने की वजह से जो वाटर था उस फूड्स में वो अनअवेलेबल हो जाएगा फॉर विच इज रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शन एज वेल एज फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मतलब केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस को भी वाटर अवेलेबल नहीं रहेगा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो वाटर चाहिए ग्रोथ के लिए वो भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ दिस ड्राइंग और डिहाइड्रेशन. एग्जाम्पल्स है फ्रूट्स, कॉफी पाउडर, देन मिल्क पाउडर, सूप्स, फिश, मीट एंड वेजिटेबल्स. तो ये जो सब फूड प्रोडक्ट्स है दैट कैन बी प्रिजर्व बाय यूजिंग दिस ड्राइंग एज वेल एज डिहाइड्रेशन. नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन, जिसे हम कह सकते हैं चिलिंग एज वेल एज फ्रीजिंग. सो दैट इन चिलिंग प्रोसेस दैट फूड इज केप्ड एट 0 degree Celsius to 4 degree Celsius लोअर टेम्परेचर. सो दिस चिलिंग प्रोसेस इट स्लोज डाउन द माइक्रोबियल एज वेल एज एंजाइमेटिक एक्टिविटीज. एट द सेम टाइम इट स्लोज डाउन द केमिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस सो दैट फूड स्पॉयलेज कैन बी अवॉइडेड. एंड हियर सो दिस एग्जाम्पल्स विच आर प्रिजर्व बाय दिस रेफ्रिजरेशन दैट इज बाय चिलिंग एंड फ्रीजिंग एंड दैट एग्जाम्पल्स इंक्लूड मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. उसके बाद है फूड प्रिजर्वेशन दैट इज इन फ्रीजिंग. यहाँ पे चिलिंग का देखा हमने रेफ्रिजरेशन में दो प्रोसेसेस इंक्लूड होती है, एक है चिलिंग और दूसरी है फ्रीजिंग. चिलिंग में जो टेम्परेचर यूज किया जाता है वो है 0 degree Celsius to 4 degree Celsius और रेफ्रिजरेशन में जो और फ्रीजिंग में जो टेम्परेचर यूज किया जाता है सो दैट फूड इज केप्ड एट -18 degree Celsius मतलब 0 degree Celsius से भी कम टेम्परेचर. सो दैट फ्रीजिंग और कीपिंग ऑफ दैट फूड एट -18 degree Celsius दैट टर्न्स द वाटर प्रेजेंट इन फूड टू आइस. सो दैट्स वाई दैट वाटर गेट अनअवेलेबल फॉर द माइक्रोबियल ग्रोथ एज वेल एज फॉर हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस. एंड एग्जाम्पल्स इंक्लूड फ्रोजन मीट, देन पीज, वेजिटेबल्स एज वेल एज आइसक्रीम. तो ये हम प्रिजर्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट फ्रीजिंग और बाय कीपिंग देम एट -18 degree Celsius टेम्परेचर. नेक्स्ट प्रोसेस है मेथड है फूड प्रिजर्वेशन की दैट इज शुगरिंग और एडिशन ऑफ शुगर. सो दैट कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन इट कैन प्रिजर्व फूड फ्रॉम द स्पॉयलेज. जिसकी वजह से जो वाटर वहाँ पे फूड में प्रेजेंट होता है इट गेट लॉस्ट बाय द ऑस्मोसिस प्रोसेस टू द शुगर सोल्यूशन एंड देयरफॉर इट इज नॉट अवेलेबल फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज एज वेल एज फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ. एग्जाम्पल्स है फूड्स का जो शुगरिंग की प्रोसेस से प्रिजर्व कर सकते हैं और ये है जाम एंड फ्रूट्स. नेक्स्ट है सॉल्टिंग प्रोसेस. सो दैट फूड कैन बी ट्रीटेड विथ सॉल्ट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन. जिसकी वजह से जो वाटर वहाँ पे फूड्स में प्रेजेंट होता है इट गेट अगेन लॉस्ट बाय ऑस्मोसिस टू द सॉल्ट सॉल्यूशन एंड इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर एंजाइमेटिक एक्शन एज वेल एज फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ. मतलब शुगरिंग का और सॉल्टिंग का जो प्रिंसिपल है फूड प्रिजर्वेशन का वो सेम है. वहाँ पे वाटर लॉस्ट होता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. शुगरिंग में वहाँ पे हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन रहता है और सॉल्टिंग में यहाँ पे हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन रहता है. ओके एग्जाम्पल्स जो है सॉल्टिंग के मेथड से प्रिजर्व किया जाता है फूड्स को वो एग्जाम्पल्स है बेकॉन, सॉल्टेड फिश एंड सोया सॉस. नेक्स्ट है कैनिंग. सो दिस कैनिंग इट इज यूज दैट फूड इज कुक्ड अंडर द प्रेशर इन कंप्लीटली एयर टाइट कंटेनर्स एंड
such cooking, it destroys the enzymes as well as microorganisms present in that food. Then that cans, these are sealed, which ensures that there is no air and no microorganisms can enter into the can. So that can get, or that foods present in the can, that get preserved. Example से इसके canning process के preserve जो किए जाते हैं वो है canned foods, that may be soup, meat or beans or any canned food material. उसके बाद है meat curing. So what is this meat curing here? So there is a by addition of salt, that is sodium chloride, to meat, or treating that meat with concentrated salt solutions which consist of nitrates 5 and nitrates 3. So sodium chloride, it ties up the water in food so that microorganisms, they cannot grow, and the chemicals, for example nitrates, they inhibit the growth of that microorganisms. Examples of foods which can be preserved by curing process, that includes salted fish, then pork shoulder, ham, corn beef, bacon, sausages, then luncheon meat, Chinese style preserved meat, for example sausages, ducks and pork. So these are the examples. Next is pickling in vinegar. So this vinegar, so that microbial growth, it is inhibited because of acidic solution, because vinegar, it is nothing but the acidic in nature. And examples include sauces, then pickled onions as well as cucumbers. So that can be preserved by this pickling in vinegar. Next is use of chemicals, or that use of food additives. So the growth of microorganisms as well as that spoilage, that can be controlled by the addition of these chemicals or that food additives. And that substances, they can inactivate or they can kill microorganisms, or they can inhibit or prevent the chemical spoilage. But considered, they have the relatively safe for the humans or to the humans. Examples include that chemical, examples of food additives or that chemicals, that includes benzoates and sulfites in fruit juices, then sulfur dioxide in wines, that BHA or BHT in cooking oils. So these are the food additives or chemicals. So here we have completed about the that methods here. So actually that food additives, they have been used for centuries in preserving and improving the appearance and color of food. For example, salt, sugar, vinegar, these are useful for the preserving of food material. Then herbs as well as spices, these are added to the food material to improve the flavor of the food. And these food additives, they are added to the food material, which helps in maintaining the high qualities as well as constancy of the characteristics of the food which are demanded by the consumers. So there are five main uses of that food additives. One is to maintain the palatability and wholesomeness, so that food loses flavor and freshness naturally due to aging and exposing to natural elements, for example molds, then air, bacteria, fungi or yeast. But ascorbic acid, BHTA or BHA or nitrates, these are preservatives which are added to slow down that spoilage as well as rancidity, but they can maintain the taste of the food material. Second, jo use food additives ka, to enhance flavor or import desired color. So that spices as well as natural or synthetic flavors, these are added to the food material which can enhance the taste of food. Then colors, these are also added to the food material which enhances appearance of food material which meets the consumer's expectations. To maintain product consistency, this is the another use of that food additives, that includes emulsifiers, stabilizers, thickeners. They helps to ensure the consistent of food texture as well as characteristics. Next use is to provide leavening or control acidity and alkalinity. So leavening agents, they helps cakes as well as biscuits to rise during the baking process. And that additives, they help to maintain the modify acidity as well as alkalinity of the food for proper flavors, taste as well as colors. And next use is to improve or maintain nutritional value. So nutrients in the food may be lost during different processes, but
cereals, milk, margarine that can be enriched or fortified with chemicals or additives, and that includes vitamin A, vitamin D, iron, ascorbic acid, then calcium carbonate, zinc oxide as well as thiamine. So here we have seen about the different that food preservatives here or that additives. In addition to this, we will see the functions of food or food additives. One function is these are used as a preservatives. So the use of chemical preservatives, it is the most common method which is adopted in food industry. Then the principle of preservatives is to kill microorganisms in food and prevent the microbial growth. Then common chemical preservatives include nitrates, sulfates and acids. So ek food additives ka use hai, that food additives we can use as a food preservative. तो फूड प्रिजर्वेटिव करके हम उसे यूज किया कर सकते हैं. जो फूड प्रिजर्वेटिव है केमिकल से, उसमें आता है नाइट्रेट्स एज वेल एज नाइट्रेट्स 3 एंड नाइट्रेट्स 5. तो ये दो प्रकार के जो नाइट्रेट्स है, दैट इज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, दैट कैन बी यूज टू स्लो डाउन द माइक्रोबियल ग्रोथ. माइक्रोबियल ग्रोथ वहाँ पे कम कर सकते हैं या हम प्रिवेंट कर सकते हैं. एंड वी कैन मेंटेन द पिंक कलर ऑफ द मीट. मीट का जो पिंक कलर है उसे भी हम मेंटेन कर सकते हैं. एंड वी कैन प्रिवेंट द बॉटुलिज्म which is the food poisoning in canned foods or due to canned foods. Next food preservative additives are sulfur dioxide and sulfates. So these sulfur dioxide and sulfates, they helps to maintain the color and the vitamin C content of the food. They are used as a bleaches and antioxidant to prevent browning in alcoholic beverages, fruit juices, margarine, salads, jams and pickled products. तो ये यूज है सल्फर डाइऑक्साइड का एंड सल्फेट्स का. नेक्स्ट केमिकल एडिटिव है बेंजोइक एसिड एंड सोडियम बेंजोइट्स. सो दे प्रिवेंट मोल्ड्स एंड ईस्ट इन फूड. देन दे आर यूज इन ऑयस्टर सॉस, फिश सॉस, केचप, नॉन अल्कोहलिक ब्यूरेजेस. देन दे आर ऑल्सो यूज इन फ्रूट जूसेस, मार्गारिन, देन सैलड्स, जाम्स एंड पिकल प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट फूड एडिटिव है सॉर्बिक एसिड एंड सॉर्बेट्स. So they prevent mold formation or growth of mold in foods, and they are mainly used in cheese and in flour confectionaries. Next chemicals are propionic acid and propionates. They prevent the formation of mold in bread. मतलब हम ये propionic acid and propionates use करके हम molds bread का preservation कर सकते हैं, जिसकी सहायता से mold की growth वहाँ पे prevent कर सकते. Then they are used in chocolate products as well as in cheese. So they are also useful for the flavorings, that is the natural flavors, that is taste and aroma of food. These are lost due to processing, but many processed foods, they are dependent on additives for their flavors, so that can be added. And some flavoring agents, they do not have any flavor themselves, but they enhances the natural taste or they enhances the aroma of the food. So here see, these are the foods contain flavoring agents, they are Lay's or Coca-Cola, like that. So this is about the, these are the some spices are also here. So this is another monosodium glutamate. So these are the chemicals which are useful for the preservation of foods or to improve the food quality. So here we have finished about the different methods of food preservation, and before that we have studied about the principles. So next point we will see in next lecture here. So if you are not subscribed this YouTube channel, so kindly subscribe this Microbiology by Santosh Napte, so that you will get notifications about the new videos. Thank you.